बानी पीटीआई के वकील इंतजार पंचूता हसन अब्दाल से बाजियाब। इंतजार पंचूता ने बताया कि अगवाकारों ने 2 करोड़ रुपए तावान तलब किया था। अगवा का मुकदमा सीटीडी एहलकार की मुदयत में दर्ज कर लिया गया। हाथ पांव रस्सी से बंधे हुए, चेहरे और पैरों पर तशद्दुद के निशान। बानी पीटीआई के वकील इंतजार पंचूता पुलिस मुकाबले के बाद हसन अब्दाल से बाजियाब। ये एक मशकूक गाड़ी भागी है सर, हमने रोका है। ये एक शख्स है भाई, आपका क्या नाम है? इंतजार हुसैन साहब हैं। ये इनकी आंखें बंधी हुई थी, मुंह पे मास्क चढ़ा हुआ था। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक जीटी रोड पर नाके के दौरान इस्लामाबाद से खैबर पख्तूनख्वा जाने वाली मशकूक गाड़ी को रोका गया तो मुलजिमान गाड़ी और मगवी छोड़कर फरार हो गए। इंतजार पंचूता ने पुलिस को बताया कि उन्हें बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया, 2 करोड़ रुपए तावान तलब किया गया। अगवाकार पश्तो में बात करते थे। कितने? अगवाकारों की तलाश के लिए इलाके की नाकाबंदी कर दी गई। आईजी पंजाब ने कामयाब कार्रवाई पर पुलिस टीम के लिए नकद इनाम का ऐलान किया है। इंतजार पंचूता की बाजियाबी के लिए केस भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेर समाअत है। 1 नवंबर को अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई थी कि इंतजार पंचूता को 24 घंटे में बाजियाब करवा लिया जाएगा।